ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो में अगर आप एब्सेंट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं और उसमें आ रहा है ब्लैंक पेज का प्रॉब्लम, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा ही देखना, इसमें मैंने सब स्टेप बाय स्टेप सिखाना है कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ करने के बाद भी आपका प्रिंटर ठीक नहीं होता तो कौन से पार्ट आपको चेंज करना है वो भी मैं इस वीडियो को बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल में नया चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बस पहले तो आपको चेक करना है आपका एप्सन का जो प्रिंटर है मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ एप्सन का कौन सा प्रिंटर मैं बता रहा हूँ। यह है एप्सन का 380 मॉडल। सो बस ये है एप्सन का 380 मॉडल। फर्स्ट आपको क्या चेक करना है इसको, तो जैसे ये प्रिंटर काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ, कम से कम इसको हो गया होगा 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गया और ये प्रिंटर आया मेरे पास, तो इसको ठीक करना है। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँ क्या क्या इसमें इशू आ सकती है जो आपको इसका स्टेडी पोजीशन में नहीं है इसका स्कैनर, तो अभी ये सब लाइट ब्लिंक करेगा इसका, तो उसके बाद देखते हैं। सो गाइस मतलब प्रिंटर हो गया रेडी, तो ये लाइट जो आ रही है मतलब स्कैनर जब फेल होता है तो ये लाइट आती है। ठीक है, तो अब आपको क्या मैं बताता हूँ कि फर्स्ट पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं इससे जो प्रिंट कैसे आ रहे हैं, पहले आपको वो चेक कराया था। सो गाइस मैं अपने सिस्टम पर आ गया हूँ, तो अब मैं इसको एक टेस्ट प्रिंट देते हैं। तो ये प्रिंटर है, इसको हम टेस्ट प्रिंट देते हैं क्या प्रिंट स्मार्ट। तो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ब्लैंक पेज आ रहा है इसमें। तो बाकी तो और प्रॉब्लम थी इसके अंदर, ज़्यादा प्रिंट भी नहीं कुछ आ रहा था, बाकी वो मैंने सॉर्ट कर लिया है। तो जो प्रिंटिंग ब्लैंक पेज जो मेन इशू उसी का ही है, और काफ़ी इसकी प्रॉब्लम आती है एप्सन के जो प्रिंटर्स में, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो भाई जब देखें पूरा कम्प्लीटली ब्लैंक पेज आ रहा है, अब मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कैसे आपको उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले तो हम फॉल्ट देखते हैं, फॉल्ट किसी का मैं अभी आपको हेडलिंक का नहीं बता रहा, वो भी करना है अभी नहीं बता रहा। उससे पहले आपको एक चीज़ और करनी है, क्या करना है आपको, तो पहले तो उसको मैं कवर निकाल देता हूँ उसका स्कैनर का। ये वैसे आपको नीट पड़ेगा निकालने का, तो फर्स्ट आपको ये इसका ये यहाँ से स्क्रू होगा कोने में यहाँ पर साइड में, तो वो आपको स्क्रू निकाल देना है और बस इसका ये स्कैनर तो ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसे मैं इसका कवर निकालता, तो केबल अपनी निकली हुई है मैंने खींचा है, तो उसको अलग करते हैं। आपको क्या करना है, इसको पहले ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोनों केबल निकाल देना है इसकी आप। अब आपको एक मोबाइल स्क्रू ड्राइवर का आता है स्क्रू, ये वाला लेना है, और इसका जो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे लॉक होता है उसको आपको लॉक अनलॉक कर देना है। मैं पीछे की तरफ देखेड़ देना उसको, अगर ये नहीं हो रहा आपसे तो एक प्रिंट कमांड ले लेना, तो हेड लेफ्ट से जाता है तो वो अपना अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, खुल गया। अब आपको इसके ये वाला कवर खोलना है, तो इसके लिए स्क्रू है, इसको निकाल दिया। स्क्रू निकालने के बाद और अब ये है, इसको भी निकाल देना आपको। ठीक है, फिर इसके बाद टैंक से आगे आप इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसका ये प्लास्टिक वाला पार्ट भी निकाल देना। ठीक है, और आप इसके इसको टेम्पर निकाल देंगे, ये है निकाला। इसमें आपको चेक करना है ये खाली तो नहीं है, देखो आप देख सकते हैं इसमें इंक है, हाफ है इंक है इसके अंदर, इस सब में इंक्स है, ये आपको जरूर चेक करना है। और साथ के साथ मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे इंक आपकी ओरिजिनल है ये आपको कैसे चेक करना है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा करके, ये आपको जब समझ आ जाए तो पहले तो आपको येलो इंक ले लेना है, जो येलो इंक है तो इसके पहले मैं आपको ए निकाल दें, ए कैसे निकालनी है कभी आपका पूरा ख़त्म हो तो उसको कैसे उसको फिल करना है। जैसे कि सेम देनी है आपको, सेम ले लेनी, उसके बाद आपको सेम डाल देना है यहाँ पर और उसको खींच देना सारी इंक डाल देना। ठीक है, ये हो गया आपका फुल, ये आपको ऐसे ही फुल करना है। ठीक है, ये रीज़न होता है चारों को करना है, ऐसे आपको चारों खा लिए। तो अब आपको मैं देखा था एक ओरिजिन है कि नहीं उसका भी दिखाता हूँ, तो आपको फ़ोन की फ्लैश लाइट लेनी है, ये पीछे इसके डाल देना। ठीक है, ऐसे और इसको शेक कर देना, जो भी आपको इसके अंदर बबल्स के अलावा कोई पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना इसके अंदर यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पे इंक ख़राब है,
तो आप एक आ रहा है आपका वैसे भी, तो इसको आप टैंक को चेंज करना है, वो फ्लश की मैं अलग से बना दूंगा कि आपको टैंक कैसे फ्लश करना है, तो उसका भी करना है। वो इन आप ख़राब है एक प्रिंट आ तो तुरंत ही आप वहीं चेंज करना, प्रिंटिंग बंद कर देनी है उस टाइम पर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि फुल हो गया ना, तो ये सब मतलब यहाँ से हो गया है। दूसरा दिखाता हूँ आपको, इसकी केबल चेक करनी है आपको, इसकी केबल जो है वो चेक करना है आपको। उसके लिए पहले आपको हेड को निकालना पड़ेगा, तो हेड निकालते हैं उसको। सो गाइस, इसका अब क्या करना है आपको, इसको वापस ही पैक कर देते हैं और दोबारा इसके अंदर एक हेड क्लीनिंग दे देते हैं। इसमें दोबारा पैक कर देता हूँ, फिर एक हेड क्लीनिंग देनी है सेटिंग से, क्योंकि यहाँ से इंक फिल हो गया है। जैसे हेड क्लीनिंग देंगे तो मैं सीधे हेड पे इंक जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसको टाइम लगेगा खींचने में, हमने पहले इसको कर रखा है, ये आपको करना है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, वॉइस मैंने इसके लगा दिया, अब इसको मैं लाइट को लेफ्ट कर देता हूँ और प्रिंटर कर देता हूँ ऑन। सो वॉइस मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया है, अब इसको अपना अभी रेडी पोजिशन में आने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हेड क्लीन कैसे करना है इसके अंदर। अगर आपको आता है तो वह हेड क्लीन करके देखना, ठीक है। और वैसे मैं करके दिखाती हूँ, तो गाइस पहले तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, आपको अपने कंट्रोल पैनल पे गए और उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर्स। अब आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है आपका, ये वो इसमें कनेक्टेड नहीं है, पहले वो कनेक्ट कर देता हूँ उसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर केबल कर दी कनेक्टेड, और अब मैं इसको राइट क्लिक करके प्रिंटिंग प्रीफ्रेंस में जाएंगे, इसके मेंटेनेंस टैब में जाएंगे और उसके बाद कर देंगे हेड क्लीनिंग। पावर फ्लश भी कर सकते हैं, अभी इसमें इंक फेल है तो हेड क्लीनिंग करते हैं। तो इसकी हेड क्लीनिंग होगी स्टार्ट, ठीक है, इसको करने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। सो गाइस क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, अब एक बार दोबारा इसका टेस्ट प्रिंट देते हैं, तो देखते हैं कैसा प्रिंट आता है। तो वह देख सकते हैं पूरा ब्लैंक पेज है, और तो इसका मतलब ये है कि इसका हेड में से कोई इश्यू है मतलब। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाया था, जैसे आप क्लीनिंग जब भी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें जो आपको दिखता होगा इंक जारी होती है, वो आपके हो रही है तो आपका नोज़ल फ्री है। और दूसरा पहले तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, देखते हैं तो आपके टैंक के अंदर उसमें आप हेड क्लीनिंग करते हैं तो उसमें से निशान आता है, अगर वो आ रहा है तो ठीक है, मतलब नोज़ल भी ठीक है। अगर नोज़ल चेक करने आपको तो एयर से आप सिलिंग लगा के देख लेना, पाइप से एयर मार के देख लेना पर नोज़ल सही है। कैसे मैं बता रहा हूँ नोज़ल सही है, तो मैं पहले करता हूँ उसके हेड को अनलॉक, और अगर यहाँ देखोगे यहाँ पर येल्लो कलर भी आ रहा है, सारा कलर आ रहे हैं क्लीनिंग के बाद, देख सकते हैं यहाँ पूरा आ रहा है इसके अंदर, मजेंटा भी दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ डॉट आना ही चाहिए था फिर, मतलब क्या है इसका फिर हेड से कोई है तो भी चल नहीं रहा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हेड में इशू हो सकता है। इसके अंदर जब भी आप कोई प्रिंट दोगे एप्सन के अंदर कोई प्रिंट देते तो हेड की एक साउंड होती है, बीप साउंड से बोलते वो आती है। अगर वो बीप साउंड नहीं आ रही एक जब आप प्रिंट कर दो तो स्टार्टिंग में जब हेड लेफ्ट जाता है तब एक बीप साउंड होता है, फिर जाकर प्रिंट पेपर लेता है, वो आप टेस्ट करना, वो आ जाए तो मतलब आपको क्या है नोज़ल से ही कोई इशू है, बोर्ड से ना कि आपके हेड से कोई इशू नहीं है, नोज़ल से इशू है, मतलब आपकी कनेक्टिविटी सब ओके है, बोर्ड भी ओके है, वायर भी सब ओके है। अगर बीप साउंड नहीं आ रही तो इस वाले प्रिंटर बीप साउंड नहीं आ रही है, तो मतलब ये है
इसका तो यार बोर्ड से इशू है या इसके हेड में इशू है। तो उससे आप कैसे चेक करना है, फर्स्ट आपको उसकी केबल चेक करनी है जो हेड की केबल्स है, ठीक है। तो केबल्स उसको निकाल कर देख लेते हैं, ये लॉक्स निकाला और हेड की ये लेफ्ट साइड। हम जब भी केबल निकालते समय तो ऐसे कर सकते हैं, अगर आप केबल डालनी है तो आपको हेड पूरा निकालना पड़ेगा, ऐसे डालोगे तो उससे मुड़ जाती है। अब ये इसकी केबल्स है, केबल्स की कंडीशन देखोगे आप, फोकस नहीं आ रहा, केबल्स की कंडीशन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मतलब क्या है आपका दिक्कत इसमें, एक बार बोर्ड को भी चेक कर लेते हैं, अगर आपके इसमें इंक आ रही है, इस वाले इसमें इंक है तो उसको पूरा क्लीन करना है, और एक बार हेड को भी चेक करना है उसमें इंक है तो वो हेड आप चेंज कर देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि उस हेड को आप चेंज ही कर लेना, या तो आपको ट्राई मारना है, रिस्क होता है इसमें। सो गाइस, अगर आपके हेड में इंक आ रही है तो मतलब वो वैसे ख़राब ही है, अगर आपको ट्राई मारना है इसमें रिस्क होता है, अगर आप इस हेड को आपको चलाना है वो देखना है। रिस्क क्या है, अगर आपको शॉर्ट हो गया हेड तो आपका प्रिंटर पूरा डेड हो जाता है, ऑन नहीं होगा, तो आपका बोर्ड भी शॉर्ट हो गया, और यही रिस्क है उसका। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हेड ही चेंज कर लेना, कम से कम आपका बोर्ड भी बच जाए। पर आपको ट्राई करना है तो आप उसको हेड को आपको पूरा अच्छे से क्लीन करना है आईपी से, और उसको कम से कम उसको धूप पे या हीटर से अच्छे से सुखाना है, दो तीन अच्छे से ड्राई होना चाहिए उसके ना, तो एक बार ट्राई करके देख लेना। पर वैसे रिस्क काफ़ी है इसमें, आपका बोर्ड भी जा सकता है, मैंने आपको बता दिया पहले, बाकी आप ये बन जाए। तो आप स्टार्ट करते हैं उसको। सो गाइस, अब जो मेन है, अब क्या चेक करना है, हमने केबल चेक कर लिया, हेड सब ओके है, तो तब भी बीप साउंड नहीं आ रही, मतलब हेड ऑन नहीं हो रहा है तरीके से। तो फर्स्ट फिर हम बोर्ड चेक करेंगे इसका, कि बोर्ड में इसका F1 फ्यूज़ है, तो उसको हम देखते हैं वो क्या पता शॉर्ट हो गया हो, मतलब वो शॉर्ट मतलब उसका जंप नहीं है, तो या तो आप बैक जंप करके चला सकते हैं। पर ये जो मैं आपको कवर देता हूँ, यहाँ पर एक F1 फ्यूज़ है, उससे होता है। इस साइड जो आप देख सकते हैं यहाँ पर F1 फ्यूज़, तो उसको आपको सोल्ड करना है बस उसमें। पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये है सही है कि नहीं, उसके लिए आपको मल्टीमीटर की नीड होगी, तो उसको पहले चेक करते हैं, उससे पहले ऐसे नहीं शॉर्ट करेंगे, पहले हम चेक करेंगे। सो गाइस, मल्टीमीटर को करते बीप साउंड में, और आप इसको मैं माउंट करके कैमरे को, आप इसको यहाँ पे इसको मैं चेक कर दूँ, अगर बीप साउंड आपके साउंड आवाज आएगी तो मतलब वो सही है, फिर तो अगर बीप साउंड नहीं आई तो मैं वैसे देखना था आपको बीप साउंड आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं एक मीटर को सामने रख देता हूँ, अब मैं इसके F1 को फिर से चेक करता हूँ, बीप साउंड नहीं आ रही, मतलब ये आपका यूज खराब हो गया, मतलब ऐसी कहीं फॉल्ट है। तो इसी तरह तो हम ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस हो आप तो ऐसी डायरेक्ट लगा के सोल्ड कर सकते हैं, या तो उसको पूरा को डिसेंबल करना पड़े निकाल के, तो वो आपको देख सकते हैं। तो मैं तो डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं उसको, क्या करना है मैंने इसको सीधा उल्टा ऐसे कर देना है, और अब इसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ आपको दिखा के। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपरली सोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये सोल्डिंग कर दिया,
अब इसको मैं वापस से इसको पैक कर देता केबल्स वगैरह। साइड में कोई इंक नहीं हो सकता होनी चाहिए, इस साइड में देखते हो इंक नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं अपने हेड को केबल लगा रही हूँ, मैं केबल में पहले डालता हूँ और एक बार दोबारा चेक कर दूँ कि इसमें इंक आ तो नहीं है। अब मैं इसे कपड़े से क्लीन कर रहा था उसका जो केबल है। देख सकते हैं पूरा प्रॉपरली क्लीन हो गया। मैंने सब लगा दिया इसके अंदर, अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। अब इसका हम एक बार प्रिंट देखते हैं, प्रिंट आता है या नहीं। पहले तो ये रेडी, जब स्कैन को रीड करता है तो तब तक टाइम लगाएगा, तो लाइट ब्लिंक नहीं करता तो प्रिंट नहीं आएगा, तब तक इसको वेट करते हैं। सो इस पेपर तो लग गया, अब देखते हैं कब प्रिंट देंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रिंट आने लग गया है इसके अंदर। ये प्रिंट है इसके अंदर जो आए हैं और देख सकते हैं बीप साउंड भी आ रही है। तो अभी तो इसमें काफ़ी प्रिंट अलग सी मिक्सिंग सी हो रही है, तो एक बार इसको भी देखते हैं क्लीन करके। एक बार इसका पावर फ्लिप करके देख लेते हैं। तो भाई साहब देखा इसका कैसे, इसको मैंने शॉर्ट किया, इसका जो ब्लैंक पेज का प्रॉब्लम था। और जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप पता है, मुझे तो पहले पता है इसका फॉल्ट क्या था, मैं आपको सीधा बोला था कि F1 फ्यूज को शॉर्ट करो आपको काम हो जाएगा, पर नहीं, हर प्रिंटर का अलग अलग चीज़ होता है। और पूरा चीज़ देखो क्योंकि आपका कोई दूसरा भी फॉल्ट हो, ये बहुत रेयर भी चीज़ में होता है कि जैसे F1 का फॉल्ट हो, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रिंटर ने 89,000 प्रिंट निकाल रखे हैं, तो कभी ना कभी पुराना हेड तो शॉर्ट हुआ ही होगा। तो मैंने आपको दिखाया कैसे आपको चेक करना है अपना प्रिंटर। और दूसरी मैंने एक बढ़िया चीज़ बताई है जो आपको पूरा पता लग जाए कि आपको बोर्ड ओके है हेड ओके है, वो है आपका बीप साउंड। अगर बीप साउंड आ रहा है तो
तो मीन्स आपका बोर्ड ओके है और हेड भी आपका ओके है, तो बीप सुना। तो प्रॉब्लम किस में होगी? प्रॉब्लम होगी आपको नोजल्स में। नोजल्स में अगर आपको लाइनिंग आ रही है, ब्लैंक पेज भी आ रहा है, तो तब भी नोजल्स की ही इशू हुआ है कि जो आपका नोजल्स है वो बंद है। तो अगर आपको उसको ओपन करना है तो उसकी वीडियो में ऊपर दे रहा हूँ आई बटन, वो आप देख लेना और उसको भी ट्राई करना। तो वो आप नोजल्स का इशू है, तो आपका बोर्ड हेड आपको ओके है, नोजल अगर खुल गए तो मतलब आपका काम बन गया। अगर तब वो भी नहीं खुला तो मतलब आपका हेड चेंज होगा, ठीक है? तो बोर्ड आपका ओके, बस यही मैं आपको कह चाहता हूँ। आप जैसे अगर आपको ये चीज़ करने के बाद भी आपका काम नहीं बनता, तब भी ब्लैंक पेज आ रहा है और आपने वो F1 फ्यूज़ भी शॉर्ट था, उसको भी आपने वो कर दिया है, तो फिर भी दिक्कत आ रही है, तो मतलब आपका हेड में इशू है। तो आपका हेड वो चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। क्योंकि अगर आप F1 फ्यूज़ भी हो सही है आपका, वो आपने शॉर्ट भी कर दिया, तब भी आपका नहीं आ रहा, और तो मतलब आपका हेड भी चेंज करना पड़ेगा। और उससे पहले एक बार चेक कर लेना ज़रूर कि जो आपके हेड में केबल्स में कोई इंक नहीं होनी चाहिए। इंक हो गया, आपने फिर F1 को पहले स्टार्ट कर दिया, तो आपका वो हेड खराब, मतलब बोल्ड प्रिंटेड हेड हो जाएगा एक तरीके से। तो आपको ये चेक करना है। और अभी तो ये आपका ये हो रहा है, इसकी हेड क्लीनिंग हो रही है, येलो कलर में थोड़ा डार्कनेस से आ रही है, तो उसको देखते हैं। और बस अभी आपको एक बीप, जो मेन पॉइंट में आपको बीप साउंड वो भी सुनानी है, कि उससे आपको सारा आइडिया हो ही जाएगा कि आपका कौन सा फॉल्ट है कि नहीं, ठीक है? तो वेट करते हैं इसको क्लीनिंग को। देखोगे तो अब बीप आती है साउंड। गाइस फ्लशिंग होल कंप्लीट। अब मैं एक नोजल प्रिंट नहीं दूंगा, जब भी फ्लशिंग करते नोजल प्रिंट नहीं देना चाहिए, तो ये आप नॉर्मल प्रिंट दे दो उसको, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं हाई प्रिंट दे देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे हेड है जो उसको मैंने शॉर्ट के होगा जैसे कहा है, तो यही है इसका आपका प्रॉब्लम। प्रिंटिंग आ रही थी हम आपको लास्ट में जो डीप साउंड आती है ना वो आपको सुनानी है, तो वेट कर रहा हूँ उसका। आपको आवाज़ आई हो तो बढ़िया, अब मैंने आपको काफ़ी ट्राई कर लिया सुना था। तो ये प्रिंट है, काफ़ी बढ़िया प्रिंट है, कोई लाइनिंग नहीं कुछ नहीं है, तो इसमें ये प्रिंट है ओके हो गया। अब मैं इसको बस पैक कर दूँगा, काफ़ी रात हो गई है, तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल में जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस गुड बाय, टेक केयर एंड बाय, पीस आउट।